लो गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं नुब्रा वैली फ्रॉम पेंगोंग। और ये याक्स का एक ग्रुप जो कि पेंगोंग की तरफ जा रहा है, और अब हम जा रहे हैं नुब्रा की तरफ जो कि 274 किलोमीटर है। अप्रॉक्सीमेटली 7.5 आवर्स लगते हैं GPS के अकॉर्डिंग। ये जो रूट है काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से, अब हर जगह रोड्स बन चुकी है। और पहले क्या होता था कि यहाँ कोई रोड नहीं था, ये पूरा ऑफ रोड था। अब ये रोड्स बन चुके हैं, मिशी आगे जा रहा है और रोड्स काफ़ी अच्छे, व्यूज़ ज़बरदस्त, डिफरेंट टेरेन। थोड़ी देर पहले हम चल रहे थे नदी किनारे यानी कि लेक के किनारे, और अब हम चल रहे हैं रेगिस्तान वाले एरिया में। देखते हैं आगे क्या आता है, लेट्स गो। सो गाइस, अभी हम लोग तांगसे से 31 किलोमीटर दूर हैं, और ये जो जगह है एक बीच का एरिया जो कि बहुत ही ख़राब है ऑफ रोड, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है अभी। जब यहाँ रोड बन जाएंगे तब ये भी ठीक हो जाएगा। ये ब्रिज जो है, ये ब्रिज के दोनों तरफ बहता हुआ पानी होता है। जब बारिश होती है, बारिश तो होती नहीं यहाँ पर, जो कि बर्फ़ पिघल के आती है उसका पानी यहाँ पर आता है और नीचे की तरफ जाता है। और ये रास्ता अभी हम सीधे निकलेंगे। यहाँ पर एक व्हीकल एक वन टाइम पे जाना अलाउड है। दस्तरू ऑन माउंटेन, जो भी ऐसे ब्रिज होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं और उन वो इतने मजबूत नहीं होते, जो कि मतलब बार बार बहुत सारे व्हीकल्स को एक बार में झेल लें, तो इसलिए एक व्हीकल एक बार में निकलना चाहिए वहाँ से। और अब रोड लग रहा है अच्छा होने वाला है, क्योंकि देखो कंक्रीट आ गया। वाओ नाइस, सो लेट्स राइड टुवर्ड्स नुब्रा। तो गाइज़, अभी हम लोग तांगसे से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर हैं, और अभी हम जा रहे हैं तांगसे की तरफ। और ये देखिए, उससे पहले ये एक मॉनेस्ट्री आती है लेफ्ट में, ये रहा उसका गेट। और कुछ आयोजन चल रहा था इस दिन जब हम पहुँचे यहाँ पर। यहाँ से ऊपर जाके राइट साइड में मॉनेस्ट्री है, तो पॉज करके देख लीजिएगा नाम अगर दिखना है। तो हम आगे चलते हैं अभी, और अभी हमें आगे जाके पहले तो थोड़ा कुछ खाना वाना है, तो उसके लिए हम ढाबा ढूंढेंगे एंड लेट्स सी। और ये दो कट्स आ गए हैं लेफ्ट में और राइट में, लेट्स सी क्या है। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है वेलकम टू थांगसाई दुर्बुक मिलिट्री डिवीजन, इनफैक्ट मिलिट्री गैरिसन है यहाँ पर लिखा हुआ। सो यहाँ लेफ्ट में जाएंगे तो सिटी में चले जाएंगे, विलेज में चले जाएंगे तांगसे के। तो राइट से हम जाएंगे तो मिलिट्री एरिया है, लेट्स गो राइट से, तो हम बाईपास कर सकें इस जगह को। सो गाइस, अभी हम लोग तांगसे में एक ढाबे पे हैं जहाँ पर हमने चाउमीन ऑर्डर की है, और उधर से हम आए थे पेंगोंग, और वो सामने ले का रास्ता है और नुब्रा को भी वही जाता है, और ये भी नुब्रा को जाता है दूसरा रास्ता। और अभी यहाँ पर खाना आने वाला है हमारा कुछ, so let's have food। so guys, अभी हम लोग दुर्बुक में हैं जो कि तांगसे के बाद आता है, और अभी भी यहाँ से 4 घंटे का रास्ता बचा हुआ है नुब्रा वैली के लिए। और यहाँ से 164 के आसपास पड़ेगा, 164 किलोमीटर्स। अभी एक कट आएगा जहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो ले जाते हैं, राइट जाएंगे तो ये जो राइट वाला रास्ता है वो जाएगा नुब्रा। How to verify? Let's see। यहाँ पर एक बोर्ड है जिसमें लिखा है लेफ्ट में शायोक, राइट में तांगसे। मतलब शायोक जो है वो है रिवर, उस तरफ से ही हम जाते हैं। शायोक एक नदी का भी नाम है और जगह का भी नाम है, तो भी हम जाएंगे नुब्रा। निशी भी वेरीफाई कर रहा है, उसके बाद देखते हैं क्या आता है।
लेट्स गो। गाइस अभी हम शायोक से 10 किलोमीटर पहले हैं और रास्ता काफ़ी अच्छा हो गया है और लेफ्ट साइड में शायोक रिवर चल रही है जो पाकिस्तान को जाती है फ्रॉम तुर्तुक। मज़ा आ रहा है राइड करने में, बहुत ही अच्छा पानी, साफ सुथरा पानी और ये बस का फास्ट गई अभी। देखा ट्रैवलर यहाँ पर बहुत तेज चलता है, अपन को तो राइड करने से मतलब। लेट्स राइड। Keep by your side.